ये बताइएगा कि शहादत जो हुई है इस्माइल हानिया की, क्या ये ईरान का सिक्योरिटी लैप्स था? शहादत कैसे हुई है? अब तक की जो तहकीकात हुई हैं उनमें क्या पता चला? इस्माइल हानिया के ठिकाने का कैसे पता चला हॉस्टाइल नेशन को? क्या तहकीकात सामने आई है अब तक? बिस्मिल्लाह, देखें, आपके नाजरीन के इल्म में होगा और आपके भी यकीन इल्म है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी का इस तरह का कोई भी वाक़ होता है तो उसमें सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की तरफ से ही एलामिया या उसके बारे में कोई भी तफसीलात मीडिया को दी जाती हैं। अभी तक उनकी तरफ से सिर्फ एक बयानिया सामने आया है, एक ही एलामिया उनकी तरफ से जारी हुआ है और उसमें कोई वाक़े की तफसीलात नहीं है। बिलखसूस अगर तहकीकात के उनवान से कहा जाए तो उसमें कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है और हम भी सब मीडिया में इंतजार कर रहे हैं कि जो उनकी तरफ से चीज जारी होगी तो वही सरकारी मौकिफ होगा इस्लामी जमहूरिया ईरान का। बाकी जो आपने कहा कि इसका क्या रिएक्शन होता है, तो हो सकता है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर इनकलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने जो ताज़ियती पैगाम जारी किया है तो उसमें बड़े वाज़े तौर पे वो इशारे मिलते हैं कि आइंदा इस्लामी जमहूरी ईरान क्या करेगा। रहबर इनकलाब इस्लामी ने जहाँ शहीद इस्माइल हनिया की शख्सियत की तारीफ की, उनके शहादत के मुतमन्नी होने की बात की, जिस तरह उनके बच्चों की शहादत का हवाला दिया और साथ उन्होंने एक बड़ा दुख भरा जुमला कहा कि हमारे अजीज मेहमान को हमारे घर में आके शहीद किया गया है और जब सूरत हाल इस तरह की हो तो उसका इंतकाम भी उसी अंदाज से सख्तर होता है। तो अब सेहूनी हुकूमत को इस वाक्य का जो रद्दमल है वो बहरहाल भुगतना पड़ेगा। तो ये यहाँ के मीडिया ने भी इस बात को पूरे जोरों शोर से उठाया, रहबर इनकलाब के इस ताज़ियती पैगाम को, और उसी के अंदर वो मैसेज भी मौजूद था कि आइंदा इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरफ से क्या होता है। और इस वक्त अगर आप ईरान और बिलखसूस क्योंकि मैं तहरान में हूँ, उस वक्त जो तहरान की फिजा है इंतहाई सोगवार है और तमाम रोड्स बड़े बड़े जो शहराएं हैं वहां अच्छा, पे शहीद इस्माइल हानिया की बड़ी बड़ी तस्वीरों की जो है कोई शक नहीं, शहीद इस्माइल हानिया के परिस्तार पूरी मुस्लिम उम्मा में, पाकिस्तान में भी ऐसी ही दुख भरी इस वक्त सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, एक यह सवाल उठता है कि इससे पहले भी आपके इल्म में तो यकीनी तौर पर होगा कि ईरानी साइंसदानों को निशाना बनाया गया था, टारगेट किलिंग की गई थी उनकी, इसको भी टारगेट किलिंग ही कहा जाएगा, तो क्या वजह क्या है? ईरान बेसिकली फॉर इसराइल, ईरान इज अ हॉस्टाइल स्टेट और ईरान की सिक्योरिटी बहुत मजबूत रहती है। ये जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, CIA मुसाद का नाम लिया जाता है, ये इन्फिल्ट्रेशन क्या अंदर से की जाती है? क्या कोई अंदर के लोग इन्वॉल्व होते हैं या सिक्योरिटी लैप्स होता है? ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ सर? देखें, कल की जो यहाँ की एक बड़ी पुरवकार तकरीब थी, 80 से ज्यादा ममालिक के डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और आला सतही अहदेदार मौजूद थे और पूरे तेहरान के अंदर बड़ा हाई अलर्ट था। और इससे पहले भी इस तरह के बड़े बड़े फंक्शन, बड़ी बड़ी तकरीबात जिसमें दुनिया भर के, अभी शहीद इब्राहिम रईसी के उस डेथ के शहादत के दौरान भी एक बड़ी तादाद में बाहर से लोग ताजियत के लिए आए, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहाँ पे कल, चूंकि हम तो खुद मीडिया में हैं तो हमें कल महसूस हो रहा था कि हाई अलर्ट है, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई अलर्ट था कल। लेकिन एक वाक्य हो गया, अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरफ आपने इशारा किया कि ईरान दुश्मनों में घिरा हुआ है और चारों तरफ उसके दुश्मन है, खुद मुल्क के अंदर भी ऐसी लॉबीज हैं कि जो मुसाद के लिए कहीं ना कहीं पे सहूलतकार का काम करती हैं, माजी में भी इस तरह वाकयात हुए हैं। और ईरान के अंदर ये एक चीज तो मौजूद है कि हम हालत जंग में हैं और हालत जंग में कोई भी किसी वक्त कोई वाकया रूनुमा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इतनी बड़ी शख्सियत का और खुद तेहरान के अंदर ये वाकया हो जाना, ये बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जाहिर है जब तक तहकीकात सामने नहीं आती उस वक्त तक कुछ कहना कबलज वक्त होगा के कोई दाखली अनासिर भी थे, क्योंकि अभी तक तो ये वाजे नहीं किया गया सिवाय अलमयादीन टीवी की तरफ से एक दावा किया गया है कि बायस से रॉकेट फायर किया गया, यानी मुल्क की सरहदों से बाहर। इसके अलावा कहीं पे भी कोई ऐसा दावा न मुल्क के अंदर न मुल्क के बाहर से कोई ऐसी चीज
जिसे हम मुस्तनद कह सकें, वो अभी तक नहीं आई, ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया गया। जलालुल फर्रा साहब, अ ह्यूज लॉस नॉट जस्ट फॉर पैलेस्टीनियंस बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। इस्माइल हानिया फलस्तीनियों के लिए क्या थे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आली हज़रत साहब। सबसे पहले मैं उस बात पे कमेंट करना चाहता हूँ जो आपका गेस्ट है तहरान से। देखिए, मैं तहरान की या ईरान की खुशामत नहीं करूँगा। मैं सच और हकीकत, तल्ख हकीकत यही है और सच्चाई यही है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर ईरानी का, ईरान की हुकूमत का, क्योंकि ये कोई सरप्राइज नहीं है। ये इस्माइल हनिया को शहीद करने का, ये हम तो इस चीज़ को हम खुद एक्सपेक्ट करते थे और इस्माइल हनिया साहब खुद भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि इसराइल ने ऑलरेडी आज से चंद महीने पहले ऐलान कर चुके हैं, अस्करी और सियासी क़ियादत दोनों ने मिलकर, कि हम हमास के खात्मा करेंगे और इनकी आले जो सियासी क़ियादत और अस्करी क़ियादत को, दोनों को हम ख़त्म करेंगे। और आपके सामने सबसे पहले इन्होंने सालेह अल अरूरी साहब लेबनान के अंदर इनको शहीद किया है, और आज इस मुहिब वतन, इस मुखलिस, इस मुजाहिद को भी ईरान के अंदर शहीद किया गया है। अब आपने जो सवाल किया है, क्या है वो हमारे लिए, मैं खुद बजात आपको बताए अली हैदर साहब, मैं कोई हमास का नहीं हूँ, ना मेरा हमास से ताल्लुक है, लेकिन हमास भी मेरा भाई है, हमास मेरे अपने हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस्माइल हनिया हमारे लिए एक लीडर है, एक मुहब्ब वतन है, एक बाप, एक बड़ा भाई। सारी ज़िंदगी इन्होंने फ़लस्तीन के लिए। अच्छा जलालुल फर्रा साहब मुझे ये बताइएगा कि इस लॉस के बाद, इस बड़े नुकसान के बाद, कि जो जंग है, जो एक मज़ाहमत का एक तहरीक है फ़लस्तीनियों की और हमास की, कितना फ़र्क पड़ेगा जब इस्माइल हानिया नहीं है बीच में, जब उनके दरमियान नहीं है वो? देखिए, सबसे पहले बात तो ये हमें जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं, हमें एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए कि इस वक्त हमास की तरफ से कोई सख्त रद्द अमल हो, क्योंकि इस वक्त हमास इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई सख्त रद्द अमल करे। हमास 10 महीने से इसराइल से और पूरा दुनिया से लड़ रहा है, क्योंकि आपको भी बताए, दुनिया को भी बताए कि सिर्फ इसराइल नहीं है हमास से लड़ रहा है, और भी बहुत ममालिक इसराइल का साथ दे रहे हैं, ठीक है। बाकी क्या फ़र्क पड़ेगा, यकीनन जंग बंदी, मेरा राय वही है अली हैदर साहब शुरू से ही है कि जंग बंदी होगी नहीं है फिलहाल, मैं नहीं समझता हूँ। और मेरे ख्याल में इस बार हमास खुद भी जंग बंदी की तरफ या जंग बंद की सीज़ फायर की तरफ नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे हमास जितना हो सके इनसे कि वो अपना बदला ले। लेकिन मेरी नज़र में, मेरी ज़ाती राय बता रहा हूँ मैं आपको, इस वक्त हमास का पोजीशन ऐसा नहीं है कि वो इतना बड़ा हादसा का बदला ले सके।